हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। इस वीडियो के अंदर हम दृष्टि आईएएस के बारे में जानकारी लेंगे। दृष्टि आईएएस, मुझे नहीं लगता कि आप इस कोचिंग से अभिज्ञ होंगे, अज्ञात होंगे। इस कोचिंग के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। अगर आपने यूपीएससी की तैयारी के बारे में सुना है तो आपने दृष्टि आईएएस के किसी ना किसी माध्यम से वीडियो जरूर देखे होंगे। दृष्टि आईएएस, जिसके निर्देशन डॉक्टर विकास द्विवेदी सर खुद करते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में दृष्टि आईएएस को लेकर जितना भी आपके डाउट है लगभग सॉल्व हो जाएंगे। हम बात करेंगे एक एक पॉइंट के ऊपर, दृष्टि आईएएस कैसी है, उसकी फीस स्ट्रक्चर कैसा है, उसका सिलेबस किस पैटर्न में चलता है, उसकी कोर्स ड्यूरेशन कैसी है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, लगभग वे सारे पॉइंट जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दृष्टि आईएएस की लोकेशन की। दोस्तों, दृष्टि आईएएस एक ऐसे कोचिंग है जिसकी लोकेशन आपको तीन जगह पे देखने को मिलेगी, दिल्ली, प्रयागराज, जयपुर। दिल्ली के अंदर भी आपको दृष्टि आईएएस के दो सेंटर देखने को मिलते हैं। एक सेंटर आपको मुखर्जी नगर में देखने को मिलता है, दूसरा सेंटर आपको करोलबाग पे देखने को मिलता है, करोलबाग, राजेंद्र नगर। करोलबाग में जो सेंटर है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है, मुखर्जी नगर में जो सेंटर है वो हिंदी मीडियम के लिए है। ये बात आपको शायद लगभग पता होगी। अब हम बात करते हैं दो सेंटर जो कि एक प्रयागराज में है और एक जयपुर में है। प्रयागराज का जो एड्रेस है, अभी मेरे पास में जो इनका ब्रोशर है उसी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। प्रयागराज में जो इनका ये सेंटर है वो पत्रिका चौराहे के आसपास में है, जो कि आप विजिट कर सकते हैं। और जयपुर में जो इनका सेंटर है वो आपको गोपालपुरा बाईपास है, जहाँ पे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के सामने ही आपको इसका मेन सेंटर देखने को मिल जाएगा। ये बात रही इसके सेंटर को लेकर। अब बात करते हैं दृष्टि आईएएस में ऐसी क्या क्या बातें हैं जो कि आपको लगभग बाकी कोचिंगों में थोड़ी बहुत सिमिलर देखने को मिलेगी, थोड़ी बहुत डिफरेंट देखने को मिलेगी, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। फीस के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक ऐसी बातें जो कि आपको जाननी जरूरी है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दृष्टि आईएएस की ड्यूरेशन कितनी रहेगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी ड्यूरेशन रहेगी करीब 12 से 15 महीने तक। ये कहते हैं 12 महीने मिनिमम है और 15 महीने मैक्सिमम है, इसके बीच में आपका कोर्स खत्म कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप 2023 के लिए तैयारी करने वाले हैं तो लगभग हमारे पास में टाइम कम रह जाता है। तो इस बात को आपको सोचने का विषय है, आप इसके ऊपर खुद अपने विवेक के आधार पर डिसीजन लीजिएगा। डेली बेसिस पर 2.5 घंटे की क्लास होती है इसके यहाँ पर। डेली में कुछ कोचिंग ऐसी हैं जहाँ पे 3 घंटे की भी क्लास होती है, जैसे कि वज्रयान रवि विजन आईएएस में भी करीब 2.5 घंटे से ऊपर जाती है क्लास। तो इस बात को आप देख सकते हैं। क्लास का शेड्यूल आपको मंडे से सैटरडे तक देखने को मिलेगा, मतलब वीक की 6 क्लासेज। बाकी कोचिंगों में 7 दिन तक होती हैं। वज्रयान रवि में 7 दिन तक क्लासेज चलती हैं, विजन आईएएस में भी 6 दिन क्लासेज चलती हैं, केएजी में बात करेंगे तो 7 दिन क्लासेज चलती हैं। तो कुछ कोचिंगों में 7 दिन का पैटर्न रहता है, कहीं पे 6 दिन का रहता है। जहाँ पे 6 दिन का पैटर्न रहता है उनकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है, क्योंकि वो हफ्ते का 1 दिन कम पढ़ा रहे हैं। अब हम बात करेंगे क्लासेस को लेकर। ये करीब आपको 400 प्लस क्लासेस देंगे, करीब 1000 घंटे से ज़्यादा की ड्यूरेशन आपको देंगे। जो क्लासेज रहेगी वो आपको हाइब्रिड मोड में देखने को मिलेगी, आपको ऑफलाइन क्लासेज देखने को मिलेगी अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं। ये जो भी मैं बात बता रहा हूँ वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लागू होती है। हाइब्रिड मोड का अर्थ ये होता है जब आप क्लास में जाएंगे, क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उसी चीज़ को ये रिकॉर्ड करके आपके पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देंगे 2-3 घंटे के अंदर, जो कि आप 3 साल तक देख सकते हैं। इस बार दृष्टि आईएएस ने काफ़ी अच्छा फैसला लिया, इस बात को हमें तारीफ करना चाहूँगा इस चीज़ की, जो कि बाकी कोचिंग वाले प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। विजन वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, पर वो आपको 2 साल के लिए दे रहे हैं, 2 साल मतलब जिस साल आप पढ़ेंगे और उसके अगले साल के लिए, जबकि दृष्टि आईएएस आपको 3 साल का देंगे, जिस साल पढ़ेंगे उसके सिवा भी 2 साल तक ये फैसिलिटी देता है। 3 साल तक आप वैलिड रहेगा, आप जब चाहे तब इसको देख सकते हैं, जो कि आपको एप्लीकेशन के माध्यम से देखने को मिलेगा। इसको आपको आप वेबसाइट के ऊपर नहीं चला सकते हैं, ठीक है। फैसिलिटी में आपको क्या क्या मिलेगी, आपको कंप्लीट बुक लिस्ट दे दी जाएगी, मतलब बुकें दे दी जाएगी, जिसके अंदर आपको करीब 26 बुकें दे दी जाएगी। साथ में आपको 6 प्रैक्टिस सीरीज दे दी जाती है, जो कि आपको टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं एनसीईआरटी के बेस पे। 5 आपको मेंस की बुकें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स को लेकर। दृष्टि आईएएस करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या प्रोवाइड करता है। करंट अफेयर्स के लिए आपको ये लाइव लेक्चर प्रोवाइड करेंगे 3 साल के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। 3 साल के लिए कैसे, जो क्लासेज है वो 3 साल के लिए वैलिड है। आप जब तक क्लास में पढ़ेंगे तब तक तो आपको हफ्ते की 2 क्लासेज होती है, तो आप उस हिसाब से लेंगे क्लासेज। और जब आपकी क्लासेज खत्म होगी उसके बाद में भी आपको पोर्टल को बल क्लासेज मिलती रहेंगी करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए जो मैगजीन है वो आपको 3 साल तक हर महीने आपको दे दी जाएगी। जब तक आप पढ़ेंगे 15 महीने तक कोर्स चलेगा, तब तक आप ऑफिस से खुद लेंगे, और 15 महीने के बाद में आप जो एड्रेस देंगे वहाँ तक आपको पहुँचा दी जाएगी, ये फैसिलिटी रहेगी। इंटरप्शन के लिए माफी चाहूँगा दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव बुक के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, जो कि ऐसे के लिए हैं। ऐसे यूपीएससी का कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आप इस बार यूपीएससी की मेंस की मार्कशीट के माध्यम से ही जान सकते हैं।
एसए का सेपरेट पेपर है, अगर आप इसके अंदर अच्छा स्कोर करते हैं तो आपके रैंक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो सकती हैं। मैं आपको तीन बुकें रेकमेंड करना चाहूँगा जो कि आपको दिशा पब्लिकेशन के माध्यम से देखने को मिलेगी। दिशा पब्लिकेशन इंडिया का रिनाउंड पब्लिशर है यूपीएससी सेगमेंट में। मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप में से बहुत से एस्पिरेंट के पास में किसी ना किसी माध्यम से कोई ना कोई बुक दिशा पब्लिकेशन की डेफिनेटली होगी। ये बुक आपको डॉक्टर अवधेश सिंह द्वारा लिखी गई है। इन सर के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, इनकी आपने क्लासेज भी ली होगी, खुद एक IRS ऑफिसर रह चुके हैं। इनके द्वारा ये तीन बुक लिखी गई हैं। इनके अंदर क्या क्या खासियत है मैं आपको सब एक एक के बारे में डिटेल में जानकारी बताऊंगा, और वो भी ब्रीफ में। जो आप पहली बुक देख रहे हैं इसके अंदर आपको ऐसे को लिखना कैसे है इसके बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी। वैसे मैं आपको इसकी स्लाइड के माध्यम से और दिखाऊंगा। इसके अंदर आपको हर ऐसे की तैयारी करते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ऐसे लिखते वक्त किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ऐसे को शुरू कैसे करना है, ख़त्म कैसे करना है, कोटेशन को कहाँ पर मैंसन करना है, उसके बारे में आपको स्ट्रेटेजी देखने को मिल जाएगी ऐसे के रिगार्डिंग। ये है पहली बुक है जो कि मास्टरिंग ऐसे एंड आंसर राइटिंग है। ये आंसर राइटिंग में भी आपके लिए हेल्पफुल है। आंसर राइटिंग करते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है ये सारी जानकारी इसके अंदर मैंसन देखने को मिल जाएगी, जो कि चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में जो ये बुक देख रहे हैं ये है 9 ईयर की प्रीवियस ईयर की बुक है, जिसके अंदर आपको पिछले 9 सालों के ऐसा के पेपर देखने को मिल जाएंगे 2013 से लेकर 2022 तक, जिसके अंदर आप पुराने पेपर के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि किस हिसाब से ऐसे को लिखना है। शुरुआत में इन्होंने हर ऐसे के लिए अलग से पोर्शन बना रखा है, हर एक ऐसे के लिए इन्होंने शुरुआत में ही क्वेश्चन इन्होंने मैंसन कर रखे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बुक की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और इसके बाद में जो सबसे शानदार मुझे बुक लगी वो ये है, प्रैक्टिस के तौर पर आप कह सकते हैं, इसके अंदर आपको करीब 151 ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको सब्जेक्ट वाइज देखने को मिलेंगे। अगर आपको इन बुकों को बाय करना है तो आप डिस्क्रिप्शन को विजिट कीजिएगा, जहाँ पे मैं इनके बाय करने की लिंक दे दूंगा, आप जाके बाय कर सकते हैं और ऐसे की तैयारी को शानदार बना सकते हैं। जाइए और विजिट कीजिए। चलते हैं वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। डाउट क्लियरिंग की जो फैसिलिटी है वो भी आपको 3 साल तक दी जाएगी। यह है इसकी जो मेन फैसिलिटी जो देखने को मिलती है वो यही है। बाकी कोचिंग वाले 3 साल तक आपको फैसिलिटी नहीं देते हैं, पर दृष्टि एस वाले आपको 3 साल की फैसिलिटी देते हैं। बट ये अपने आप में एक शोध का विषय है कि आपको 3 साल तक आपको क्या इस योजना को बहुत बड़ी बनाना है यूपीएससी की तैयारी को, या फिर आप साल भर के लिए तरीके से पढ़कर अगले साल में एग्जाम को देना चाहते हैं, तो ये एक शोध का विषय है। बाकी अगर आपके पास में फैसिलिटी रहती है तो वो आपके फायदा ही करती है, नुकसान कोई भी फैसिलिटी नहीं करती है। पर हाँ, जब फैसिलिटी ज़्यादा होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को अपाइज बनाता जाता है, उसको पता है कि 3 साल तक की फैसिलिटी है तो वो क्लासेस को बाद में देखना प्रेफर करता है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो पर्सनल मेंटरशिप है वो मिलती है या नहीं मिलती है। अगर आपको कोई डाउट है तो आपको पर्सनल मेंटरशिप भी दे दी जाती है, जूम कॉल के माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से, या फिर आप डायरेक्ट सेंटर के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके अंदर कुछ एक अच्छी फैसिलिटी जो कि मुझे बाकी कोचिंगों में देखने को नहीं मिलती है, जो कि है इनका रिविजन टेस्ट। आपको हर 15 दिन के बाद में एक टेस्ट दे दिया जाता है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में दिया जाता है, क्लास टेस्ट बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें विजन एस में वगैरह, तो वहाँ पे ये फैसिलिटी मिलती है। विजन एस में आपको मेंस के आंसर राइटिंग की फैसिलिटी जरूर मिलती है, वो भी आपको करीब 15 दिन के आसपास में मिलती है। और दृष्टि एस वाले आपको साल के करीब 24 टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जो कि 24 मेंस के टेस्ट होंगे, जिसको आपको लिखना है, उनको देना है, इवेल्युएट करके आपको फीडबैक मिल जाएगा। ये सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है दृष्टि एस के पास में। अब हम बात करते हैं कुछ एक ऐसी यूनिक चीज़ें जो कि बाकी कोचिंग वाले प्रोवाइड नहीं करते। दृष्टि एस वालों ने एक अच्छी बात यह रखी है इंग्लिश मीडियम के अंदर और हिंदी मीडियम के अंदर। इंग्लिश मीडियम में दृष्टि एस वालों ने अपनी जो फैकल्टी हैं जो आपको पढ़ाएगी, उन सभी के बारे में पहले से जानकारी मेंशन कर दी है। सो ये कहना है कि एक अच्छी बात रहती है, आपको पता रहता है कि कौन सा टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, ये बात आप तक पहले से पता रहेगी। और बाकी कोचिंग से बात करें तो बाकी लोग ये सारी जानकारी मेंशन नहीं करते हैं। खान स्टडी ग्रुप करके एक सेंटर है, वो आपको ये जानकारी मेंशन कर रहा है, और सुब्रा रंजन इस जानकारी मेंशन कर रहा है। विजन आईएएस और वाजीराम इस जानकारी को मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो इस बात को हम कहीं ना कहीं दृष्टि आईएएस को एक अच्छी कोचिंग मान सकते हैं कि उन्होंने अपनी सारी फैकल्टी की जानकारी पहले से मेंशन कर दी है। अब हम बात करते हैं ऐसा क्या चीज़ है जो कि दृष्टि आईएएस के अंदर जाने के पहले आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं दृष्टि आईएएस में, तो दृष्टि आईएएस में एक चीज़ आपको मिसिंग मिलेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आप जयपुर वाले सेंटर पर पढ़ेंगे या फिर प्रयागराज वाले सेंटर पर पढ़ेंगे, आप सोच रहे हैं कि टीचर आपको सेम मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको टीचर अलग अलग मिलेंगे। इस बात को आपको पहले से ध्यान में रखना है। बात करेंगे टेस्ट को लेकर, तो दोस्तों टेस्ट में विजन आईएएस वाला आपको डेली बेसिस पर टेस्ट नहीं दे रहे हैं, कुछ कोचिंग वाले आपको डेली बेसिस पर टेस्ट देते हैं, तो ये कहना कि विजन आईएएस के पास में एक लूप होल रहता है। बात रहते हैं ड्यूरेशन को लेकर, विजन एस वाले आपको इसी ड्यूरेशन को करीब 12 महीने में करवा रहे हैं, बाजीराम वाले इसी ड्यूरेशन को 9 महीने में पूरा करवा रहे हैं, और दृष्टि एस वाले इसको 15 महीने में पूरा करवा रहे हैं। मैं तुलना कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम की। हिंदी मीडियम की भी बात करेंगे तो भी विजन एस वाले इससे कम टाइम में करवा रहे हैं, बाकी कोचिंग वाले भी कम टाइम में करवाते हैं। दृष्टि एस वाले आपको करीब 18 से 24 महीने के अंदर करवाते हैं, जो कि एक काफ़ी लंबी ड्यूरेशन हो जाती है, जो कि आपको एक सोचने का विषय है कि आपको लंबे टाइम तक पढ़ना है या फिर शॉर्ट में पढ़ना है,
वो आप खुद सोच सकते हैं। जैसा कि अगर आपके पास में टाइम कम है, आप सोच रहे हैं कि एक ही साल में एग्ज़ाम की तैयारी करके निकालना है, तो 10 AS एक अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकती, क्योंकि इसके कोर्स की ड्यूरेशन भी 2 साल है। तो इस बात को आपको खुद को समझना है। 10 AS की सबसे अच्छी बात या आपको जो कोर्स की ड्यूरेशन के साथ में जो वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात रहती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर को लेकर। इसकी जो टोटल फीस है, अगर हम दिल्ली के सेंटर की बात करें, क्योंकि इनके जो रीजनल सेंटर हैं जयपुर और प्रयागराज की, तो उनकी फ़ीस बदलती रहती हैं। तो अगर हम बात करें दिल्ली के सेंटर की, तो उसकी फ़ीस है 1,85,000, जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस की कंप्लीट GS, साथ में टेस्ट सीरीज, CSAT, ऑप्शनल, और आई थिंक ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज भी इसमें शामिल है, इन सभी को कंप्लीट पैकेज आपको 1,85,000 में देखने को मिलता है। और बाकी चीज़ों को अगर आप एक्सक्लूड करते हैं, CSAT को बाहर निकालते हैं, तो करीब आपको 18,000 कम लग जाते हैं, एक एक चीज़ कम हो जाती हैं। बात करते हैं जयपुर के सेंटर पर, तो जयपुर के सेंटर पर इसी की फ़ीस 1,20,000 के आसपास हो जाती है, इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद में। जयपुर के सेंटर की मैं अगर आपको टोटल फ़ीस बताऊँ, तो वो आपको करीब सभी चीज़ को मिलाने के बाद में, GS को और CSAT को, आप अगर ऑप्शनल को मिलाएंगे, ऐसे को मिलाएंगे, टेस्ट सीरीज को मिलाएंगे, तो उसकी फ़ीस होती है करीब 1,60,000 इसकी होती है, 1,60,000 होते हैं। और अगर आप अगर GS का सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस को लेते हैं, तो उसकी फ़ीस होती है करीब 85,000। तो इस बात को आपको समझना है कि फ़ीस कितनी है, किसकी कम लग रही है, इस बात को आपको पहले से जानकारी लेनी है। बाकी कोचिंग से तुलना करें तो दृष्टि की फ़ीस अपेक्षाकृत कम है। दृष्टि में एक फैसिलिटी आपको ये भी देखने को मिलती है, अगर आप दृष्टि की फैसिलिटी को लेंगे, तो आप अपनी इच्छा से टेस्ट सीरीज को लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, CSAT को एक्सक्लूड कर सकते हैं अगर इच्छा नहीं है तो। पर ये फैसिलिटी आपको विजन के साथ में देखने को नहीं मिलेगी। विजन वाले कहते हैं कि अगर आप ये कोर्स को लेते हैं, तो आपको सब कुछ फैसिलिटी लेनी ही पड़ेगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं विजन ऐसा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, 10 AS आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैंने लगभग सभी से तुलना करके बताई है, आप सोच सकते हैं कि आपको कौन से कोचिंग के अंदर जाना है, किस कोचिंग के अंदर जाने से आपको फ़ायदा होगा। ये सारी जानकारी आप अपने स्तर पर खुद एक बार जाँच करके भी ले सकते हैं। 10 AS के साथ में एक छोटी सी जानकारी, एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि जो इनके रीजनल सेंटर हैं, वहाँ पे उन्होंने फैकल्टी के बारे में क्लियर जानकारी मेंशन नहीं की है। कह रहे हैं कि दिल्ली से सारे टीचर आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये एक जानकारी कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है। जब सारे टीचर दिल्ली से आ रहे हैं, तो उनको बताना पहले चाहिए ना कि कौन सा टीचर आपको पढ़ाएंगे, वो पहले क्यों नहीं बता रहा था कि हम दिल्ली से भी एक बार कंपेयर करके देख लें। तो ये फैसिलिटी आपको कहीं ना कहीं मिसिंग देखने को मिलती है। आप में से बहुत से एस्पिरेंट मुझे कमेंट करेंगे, मैंने भी आपको बोला कि 10 AS की ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि 10 AS की लंबी ड्यूरेशन हुई तो क्या हुआ, ये आपको डिटेल में पढ़ाते हैं। पर दोस्तों एक चीज़ आपको ये भी सोचनी चाहिए कि जब आप लंबे ड्यूरेशन तक पढ़ेंगे, तो आपको दिल्ली जैसे विख्यात एरिया में रहना है, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर जैसे एरिया में रहना है, वहाँ पर रहने का चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कोचिंग के साथ में जो अलावा जो साइड खर्चे होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, तो इस चीज़ को आपको कंसिडर करना है। यूजली एस्पिरेंट कोचिंग करने के बाद में उस एरिया से थोड़ा सा दूर रूम लेता है, ताकि उसको कम से कम 5-6 हज़ार हर महीने बच जाते हैं, उसको एक प्रॉफिट होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना है। सबसे अच्छी बात, जो सबसे बेस्ट पॉइंट लगा, करंट अफेयर्स की मैगजीन 3 साल तक, करंट अफेयर्स आपको 3 साल तक क्लासेज मिलेगी, 3 साल तक आप क्लासेज देख सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं 10 AS के साथ में। वीक पॉइंट में आपको ड्यूरेशन काफ़ी लंबी देखने को मिलेगी। रीजनल सेंटर पर आपको सभी टीचर्स के नाम मेंशन नहीं है, डेली बेसिस पर आपको वहाँ पर टेस्ट देखने को नहीं मिलेंगे। एक चीज़ आपके यहाँ पर ये भी मिसिंग मिलती है कि आपको डेली बेसिस पे किस टीचर से कौन सा लेक्चर दिया जाएगा, ये सारी जानकारी लगभग वो पहले से मेंशन नहीं करते। कुछ एक जानकारी मेंशन होती है, कुछ एक जानकारी नहीं होती है, बाकी कोचिंग वाले ये जानकारी थोड़ी मेंशन करते हैं। तो ये कुछ एक पॉइंट है जो पॉजिटिव लगे, कुछ एक नेगेटिव मिले। बाकी बुक लिस्ट वगैरह सारी आपको हर कोचिंग में मिलती है, वैसे की वैसे मिलेगी। फीस लगभग सभी के बराबर है, बाकी कोचिंग से तुलना करें तो थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये आप एक बार एवरेज करके देख लीजिएगा। मैंने बाकी कोचिंगों के वीडियो बनाए हैं, मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद में 10 AS को लेकर आपके सारे डाउट सॉल्व हुए होंगे। अगर आपको लगता है ऐसा ही, तो एक बार कमेंट करके बताना। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, किसी और कोचिंग के रिव्यू के साथ में। अगर आपको इस टाइप के वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो कमेंट करके बताना। मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।